नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एड हिंदी। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। 18 अगस्त 2018 वो दिन जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कमान एक क्रिकेटर ने संभाली। क्रिकेट में पाकिस्तान को विश्व विजेता बना चुके इमरान खान ने जब सत्ता संभाली तो पाकिस्तानियों को लगा कि अब विश्व पटल पर पाकिस्तान का नाम होगा। हालांकि ऐसा हो ना सका। इमरान खान ने कुर्सी में बैठते ही पाकिस्तानियों को नए पाकिस्तान बनाने का सपना दिखाया और नया इतिहास रचने की बात कही। इतिहास रचने की बात कहने वाले इमरान खान अब खुद ही इतिहास बनने की राह पर पहुंच चुके हैं। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। सरकार गिरने के डर से अब इमरान खान को इन दिनों नींद नहीं आ रही है। संकट की इस घड़ी में इमरान खान के अपने भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद बागी हो चुके हैं तो पाक सेना भी उनकी कुर्सी से उतारने की कोशिश में लग गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने इमरान खान के इस्तीफे की तारीख मुकर्रर कर ली है। ओआईसी की मीटिंग के बाद इमरान की कुर्सी जा सकती है। ये मीटिंग 22 या 23 मार्च को हो सकती है। बता दें कि पाकिस्तान की 342 सदस्यों की असेंबली में सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है। शुरू में इमरान खान को 179 सांसदों का समर्थन मिला था और विपक्ष के पास 162 सांसद थे। अब इमरान खान की अपनी ही पार्टी के कई सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को पास कर पाना इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। उधर सरकार जाने का दबाव झेल रहे इमरान खान अब विपक्ष पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दरगई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि पाक के 75 साल के इतिहास में पाकिस्तान का एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। इमरान खान भी इस कलंकित इतिहास की चपेट में आने वाले हैं। इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को पीएम पद की कमान संभाली थी और अब उनकी कुर्सी पर भी तलवार लटक रही है। इमरान खान से पहले नवाज शरीफ की कुर्सी पनामा केस के कारण चली गई थी। नवाज शरीफ के साथ ऐसा तीसरी बार हुआ था जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। आजादी के बाद लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जबकि मौजूदा समय में इमरान खान इस कुर्सी में बैठे हैं। देश दुनिया की छोटी से बड़ी खबरें सुनने और देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे इंडिया एड हिंदी।